My name is Nisha and today we will be discussing about what is Riyadh Air, what are the criterias and how you can apply for Riyadh Air online. So what is Riyadh Air? Recently, the Saudi Arabia governor has announced that they are coming up with a new airline called Riyadh Air and it will be competing with Etihad Airways and Saudi Airlines. So that means this airline is going to be doing really great. And they have assured to complete at least 100 destinations in a year. The starting international destinations will be Doha and Dubai. So let me tell you the criteria required for Riyadh Air is you need to be at least 150 centimeters tall. Your arm reach should be at least 200 centimeters. Minimum qualification they have asked is 10 plus 2. That means if you have completed your 12th standard, you are eligible to apply. However, you need to at least have 1 year of experience in customer service background. If you are in a corporate office, in a chat process or in a calling process, you are still eligible. And also, you need to be fluent in English, which should be written and speaking. If you want to be a cabin crew, so there are a few qualities which you need to have. That is, you need to be good in communication, personality should be amazing, your grooming should be perfect. And also, you should not make any grammatical mistakes while you are speaking in English. And most important is that, as you have seen, the most of the cabin crew members are always smiling. So the same way, you have to smile while giving the interview. If you are lacking somewhere in this, so you can enroll to my course. I've mentioned everything in the description. As you know, it's a Ramadan month going on. So we have kept an offer for you all. Now let's check out how you can apply for Riyadh Air online. सबसे पहले आप अपना Google या Safari open करिए, उसके बाद आप type करिए Riyadh Air /careers. ऐसे इसके बाद search पे click करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे options हैं. ये सारे mostly agencies होते हैं या फिर इसमें से कुछ होते हैं जो scammers होते हैं, आपसे पैसे लेके बोलेंगे कि आपको मैं job दिलवा दूँगी या वगैरह वगैरह, और आपसे पैसे हट लेंगे. सो आप इस किसी पे भी विश्वास मत करिए. यहाँ पे आप देख सकते हो careers.riyadhair, इस पे आप क्लिक करिए. जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होना चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हो आप करियर पेज पे डायरेक्टली पहुंच गए हो. यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी हायरिंग चल रही है. अगर आपको किसी फ्रेंड को सजेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं. हम एक्सप्लोर करियर्स एट Riyadh Air पे क्लिक करेंगे. यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी ओपनिंग्स है. अब अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए उनके लिए जो सूटेबल डिपार्टमेंट है. यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे कैबिन क्रू पर. कैबिन क्रू पे क्लिक करने का तो आप ऐसे पेज पे पहुंचोगे. यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने अपने क्राइटेरियाज भी लिखी हुई है. हालांकि मैंने आपको क्राइटेरिया सारी बता दी है, बट आपको ये बताना रह गया है कि विजिबल टैटूज आर नॉट अलाउड इन एनी एयरलाइंस. एंड आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है. अभी हम क्लिक करेंगे अप्लाई पे. अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा. पहले अगर आपने आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अपना नया अकाउंट क्रिएट करना होगा. लॉगिन करने के बाद के सामने ये आ जाएगा. जो करंट अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करिए. एंड देन वापस से आप कैबिन क्रू पे क्लिक करिए. ये क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम पेज आएगा. अप्लाई करिए. एंड यहाँ पे आप अपना डिटेल्स मेंशन करिए.
जब भी मैं अपना डेट मेंशन करती हूँ या फिर मैं किसी को अपना डेट बताती हूँ तो मैं बहुत स्माइल करके बताती हूँ, बिकॉज सी इट्स 31 दिसंबर 1996, मेरे बर्थडे को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। आई एम जस्ट किडिंग, काश एक दिन और डिले हो गया होता तो मैं 97 ईयर्स की होती और नए साल में होती। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फुल प्रोफिशिएंसी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से इंग्लिश आती है। देखो, अगर आपने यहाँ पे से कोई और चूज़ करोगे तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को पता चल जाएगा दैट यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश। सो डोंट डू दैट, आप इस पर क्लिक करिए एंड मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश एंड आपको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी एंड आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। आई यहाँ पे लैंग्वेजेस लिखिए, मेरे को हिंदी आती है, मराठी आती है एंड कन्नड़ा। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर मेंशन करिए। याद रखिए, जब भी आप इंटरनेशनल फॉर्म इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा कोड डालकर ही आप अपना नंबर मेंशन करिए। सेव एंड कंटिन्यू, डिटेल्स में पहुंच गए होगी। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, पोजीशन, फॉर्म, जहाँ जिस डेट से आपने स्टार्ट किया है, करंट एम्प्लॉयर हो या नहीं हो, करंटली आप काम कर रहे हो या नहीं हो। अगर आपके पास कोई क्रू का एक्सपीरियंस नहीं है, कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस नहीं है, तो घबराइए मत। अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस हो या फिर आप कॉर्पोरेट जॉब में कॉल प्रोसेस में हो या चैट प्रोसेस में हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें कस्टमर सर्विस में ही इंक्लूड होती है। सेव एंड कंटिन्यू, देन यू कम हियर एंड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे हाइट पूछा गया है, माइंड इज 155 सेंटीमीटर्स, 155। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के बारे में पूछा गया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डिजीज नहीं है। अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो डू नॉट गेट स्केयर्ड, बी ऑनेस्ट एंड राइट अबाउट इट। यहाँ पे क्रिमिनल पूछा गया है, अगर आप क्रिमिनल हो तो ऑब्वियसली नहीं हो पाओगे, सो इसलिए नो, सॉरी बाय मिस्टेक, नो, आई हैव नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम और हैड सब्सटेंस अब्यूज। सो यहाँ पे आपको पूछा गया है रेज्यूमे के बारे में। सो यहाँ पे आपको पूछा गया है रेज्यूमे के बारे में। टैलेंट कम्युनिटी पूछा गया आपसे, इसका मतलब ये है कि अगर अगर आप एज अ कैबिन क्रू सिलेक्ट नहीं होते हो तो आप किसी और पोजीशन में काम करने के लिए तैयार हो या नहीं, ये पूछा गया है आपसे। तो अगर आप हाँ बोलना चाहते हो तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। देन यू विल क्लिक ऑन सबमिट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टा पेज द क्रू हब टू नो द डिटेल्स अबाउट द कैबिन क्रू इंटरव्यू, टिप्स एंड ट्रिक्स। इंटरेस्टेड इन द कोर्स, प्लीज रीड द डिस्क्रिप्शन मेंशन बिलो।